Everyone, hope all my learners are doing well. In this video, I'll just explain you the power of silence. चुप रहने का बहुत फायदा है, बहुत पावर है. आप अपने जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, जिस लोगों के आसपास आप रह रहे हो, वहाँ पे कुछ नेगेटिव पीपल होंगे, कुछ पॉजिटिव पीपल होंगे, कुछ अच्छे लोग होंगे, कुछ बुरे लोग होंगे. लेकिन अगर आपको उन बुरे लोगों से डील करना है, उन्हें ओवरकम करना है, तो आपको साइलेंस का पावर यूज़ करना होगा. यू नीड टू बी साइलेंट इवन व्हेन यू आर नोइंग दैट दिस पर्सन इज टॉक्सिक फॉर यू, बिकॉज वो आपको वो चीज़ देना चाहेंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं है. दे विल डीमोटिवेट यू, दे विल टियर यू डाउन, बट आपको उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए साइलेंस का सहारा लेके आपको अपने गोल्स पे फोकस करना है और आगे बढ़ना है. एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे पास है. तोता बहुत बोलता है पर ज़्यादा उड़ नहीं पाता. चील को देख लो, चुप रहता है लेकिन आसमान छूने की शक्ति रखता है. और तीसरा एग्जाम्पल है शेर. चुप रह के वो पूरे जंगल का राजा है. वो तभी दहाड़ता है जब उसे कुछ लगता है कि हाँ यहाँ पे मेरा शिकार या कुछ, बाकी टाइम वो एकदम साइलेंट मोड में रहता है. तो वो कहाँ है? वो जंगल का राजा है. तो अगर आपको कोई ऊंचे मुकाम तक पहुँचना है, कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए साइलेंटली वॉक कर लो. इन लोगों को इग्नोर करो. द मोर यू इग्नोर देम, द मोर पीसफुल एंड ब्लेस्ड लाइफ विल बी लिविंग एंड यू विल डेफिनेटली अचीव ऑल योर गोल्स. Stay blessed, stay happy. Thank you.